हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सेवन क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन पीटी वन एग्ज़ाम का पेपर है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का और सबसे पहले है सेक्शन ए रीडिंग एक पैसेज आपको गिवन है रीड करना है फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है सो वंस अपॉन ए टाइम इन अ स्मॉल विलेज नेस्टेड अमंग रोलिंग हिल्स देर ले अ सीक्रेट गार्डन it was hidden away behind an old ivy-covered wall far from prying eyes no one knew who had planted it or tended to it but the flowers within were the most beautiful anyone had ever seen one sunny morning sarah stumbled upon the garden while exploring the outskirts of the village intrigued by the whispers of colorful blooms peeking through the cracks in the wall she decided to investigate further with trembling hands, she pushed open the creaky gate and stepped inside. To her amazement, Sarah found herself surrounded by a riot of colors and scents. Roses of every hue danced in the gentle breeze, while daffodils nodded their golden heads in greeting. Butterflies flittered from flower to flower, their delicate wings shimmering in the sunlight. As Sarah wandered deeper into the garden, she discovered a small pond nested in a shady corner. Its surface was adorned with water lilies, the delicate petals floating like juice upon the water. Mesmerized by the tranquility of the scene, she sat down beside the pond and closed her eyes, letting the sights and sounds wash over her. From that day on, Sarah visited the secret garden every chance she got. She would spend hours exploring its hidden corners, marveling at the beauty that lay within. And though she never discovered who was responsible for creating such a magical place, she was grateful for the joy it brought her brought her. okay. Now questions first is where is the secret garden located? So the secret garden located among rolling hills in a small village in a small village nested among rolling hills. Answer number one. नेक्स्ट इज हाउ डज सारा डिस्कवर द सीक्रेट गार्डन सारा ने कैसे डिस्कवर किया सीक्रेट गार्डन को सो सारा डिस्कवर्ड इट वाइल एक्सप्लोरिंग द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सीन सारा एनकाउंटर्ड वैन शी एंटर्ड द गार्डन सो वैन शी एंटर्ड द गार्डन शी फाउंड हर सेल्फ सराउंडड बाय द राइट्स ऑफ कलर्स एंड सेंट्स ये भी आप देख सकते हैं रोजेज ऑफ एवरी ह्यू डेफिडल्स के बारे में देन बटरफ्लाइज थी लास्ट तक पूरा ही पैराग्राफ हो जाएगा फिर नेक्स्ट इज हाउ डज सारा फाइंड सॉरी वॉट डज सारा फाइंड इन द शेडी कॉर्नर ऑफ द गार्डन गार्डन के शेडी कॉर्नर में उसे क्या दिखाई दिया सो शी शी फाउंड अ स्मॉल पॉन्ड नेक्स्ट हाउ डज सारा फील अबाउट सीक्रेट गार्डन सीक्रेट गार्डन के बारे में वो क्या फील कर रही थी सो शी वॉज फीलिंग शी वॉज फीलिंग मेजमराइज नेक्स्ट इज राइट टू एंटेनिम्स ऑफ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल के दो एंटेनिम्स एक तो अगली होगा एंड अगली एंड अनअट्रैक्टिव अट्रैक्टिव नेक्स्ट नाउ ग्रामर एंड राइटिंग पैराग्राफ लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन समर वेकेशंस वैल्यू ऑफ गेम्स ये कर लेंगे आप खुद से आगे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फर्स्ट इज राम विल ब्लैंक टू मुंबई टमोरो राम कल मुंबई जाएगा राम विल गो टू मुंबई टुमारो ही ईट एन एप्पल यस्टरडे उसने कल एक एप्पल खाया सो ही एट एन एप्पल यस्टरडे डज ही प्ले क्रिकेट एवरी डे यही होगा डज ही प्ले क्या वो रोज़ क्रिकेट खेलता है ही इज आर्टिकल बताना है एस डी ओ अब यहाँ पर ध्यान से देखना है जनरली जो रूल हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेज में कि जो वर्ड्स ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं बॉबल से स्टार्ट होते हैं उनके आगे एन आता है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे अ आता है लेकिन एक्चुअली में साउंड का साउंड आपको देखनी होती है जैसे एस डी ओ ये जो स्टार्ट हुआ है वर्ड ये ए की साउंड से हुआ है अ की साउंड से हुआ है एस स्कूल सन यहाँ पर सीधा स, स की साउंड आइए सन स्कूल तो यहाँ पर अ आएगा अ स्कूल अ सन लेकिन एस ए से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर एन आएगा एन एस डी ठीक है आई हैव ब्लैंक वन रुपी नोट अब आप कहेंगे यहाँ पर ओ आया है एन तो होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है ओ आया है लेकिन साउंड ओ की नहीं है ओ की साउंड क्या होते हैं इससे ऑरेंज तो यहाँ पर होना होगा एन ऑरेंज एन आउल ठीक है ये वावल की साउंड है यहाँ पर है वन वी की साउंड वन तो इसलिए यहाँ पर आएगा अ ठीक है आई हैव अ वन रुपी नोट ओके ही इज़ एन एस डी ये आपको ध्यान रखना है ना सेक्शन सी है लैंग्वेज एंड लिटरेचर रीड करिए एक्स्ट्रैक्ट को और फिर क्वेश्चन को आंसर करिए ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल ये स्क्वेरल के लिए है एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे ही सार्टअप स्ट्रेट टू ईट अ नट सो फ्रॉम विच पोयम दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन दिस एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम द स्क्रल नेक्स्ट इज वॉट इज द शेप ऑफ स्क्वेरल स्क्रल की टेल की शेप क्या है उसकी शेप है लाइक अ क्वेश्चन मार्क वॉट इज इज वॉट इज इट्स स्किन कलर स्किन कलर है ग्रे ना चूज द पास ऑफ वेयर फ्रॉम द अब लाइन्स वेयर का पास्ट होगा वोर अब बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वाई कि नहीं पांच को आंसर करना है वाई डू द वर्कर्स एंडस कैरी द ग्रब्स अबाउट जो वर्कर एंडस हैं वो ग्रब्स को कैरी क्यों करती है उनको कैरी करती है एक्सरसाइज के लिए उनको बाहर लेकर जाती है एरेशन uh, के लिए सनशाइन के लिए धूप दिखाने के लिए सो so आंसर आप लिखेंगे वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अराउंड डेली फॉर एक्सरसाइज सनशाइन एंड सनशाइन

lying flat at the bottom the bottom of the river river and curry wanted his friend uh, curry wanted to uh, save the life to save the life of that boy that

किंग को ये एडवाइस क्यों किया गया कि आपको मैजिशियन के पास जाना चाहिए क्योंकि किंग का एक क्वेश्चन था कि कैसे पता लगेगा कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है तो लोगों ने कहा इसके लिए फ्यूचर में जाना होगा फ्यूचर सिर्फ मजिशियंस देख सकते हैं सो so, ये एडवाइस उसको इसलिए दिया गया ताकि कोई भी काम करने का राइट right टाइम क्या है वो पता कर सके सो द किंग वॉज़ एडवाइज टू गो टू द मजीशियन इन ऑर्डर ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग डूइंग समथिंग नेक्स्ट नेक्स्ट इज हाउ डिड द किंग एंड द हर्मेट हेल्प द वडेड मैन किंग और हर्मेट ने जो वॉन्डेड मैन था उसकी हेल्प कैसे की उसका जो वा उसको क्लीन किया ड्रेसिंग की उसकी पानी उसको दिया फिर अंदर उसको हट में लेकर गए so the king and the hermit helped the wounded man by cleaning and dressing dressing his wound uh, giving him water to drink water and uh, carrying him him to द हट नेक्स्ट इज ही लाइक टू टीज एंड प्ले हु इज टीजिंग होम उसे टीज करना और खेलना पसंद है तो कौन किस को टीज कर रहा है यहाँ पर स्क्वेरल टीज कर रही है किसी को भी जो उसके पास आता है सो द स्क्वेरल इज टीजिंग एनी वन हुट्स क्लोज टू इट

आउटसाइड द गेट गेट दैट मॉर्निंग सुबह ओके नेक्स्ट ना आगे है सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन सीसीटी भी आपको पता है इस बार टेन मार्क का है सो so, एक पिक्चर आपको गिवन है मल्टीपल इंटेलिजेंस की मल्टीपल इंटेलिजेंस लॉजिकल इंटेलिजेंस विजुअल इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल जो बातचीत हम करते हैं काइनस्थेटिक इंटर इंटरपर्सनल इंटरापर्सनल नेचुरलिस्टिक लिंग्विस्टिक ठीक है क्वेश्चन देख लेते हैं अ चाइल्ड इज वेरी एक्सप्रेसिव एंड ही लव्स टू मीट एंड टॉक टू न्यू पीपल एक बच्चा बहुत एक्सप्रेसिव है लोगों से मिलना बात करना उसको पसंद है वेरी फ्रीक्वेंटली वो ये काम करता है तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल आती है बात करना एंड लोगों से इफेक्टिवली इंटरेक्ट करना उन्हें अंडरस्टैंड करना अ बॉय इन योर नेबरहुड इज़ क्वाइट कीन इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस आपके नेब नेबरुड में एक बॉय है जिसको नई लैंग्वेज सीखना पसंद है और उसको ऑलरेडी फाइव लैंग्वेजेज आती है लगभग फाइव तो आप क्या करियर ऑप्शंस उसको देंगे ऑप्शंस देखते हैं राइटर बिल्कुल ठीक है लैंग्वेज से रिलेटेड है पोएट भी ठीक है ट्रांसलेटर भी ठीक है वेटर रिपोर्टर ठीक है ठीक है एक एक उसमें ऑप्शन में एक भी गलत हुआ तो हम उसको छोड़ देंगे सेकेंड में राइटर ठीक है पोएट ठीक है ट्रांसलेटर लैंग्वेज से रिलेटेड है इंटरप्रेटर जो इंटरप्रेट करता है बेसिकली ट्रांसलेट करता है रिपोर्टर जर्नलिस्ट स्पोक्स पर्सन क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेज आएगी बोलेगा अच्छा पॉलिटिशियन बी ऑप्शन करेक्ट होगा ड्राइवर सी में तो कुछ है ठीक है तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन नाउ चिल्ड्रन लर्न बेटर विद ऑडियो विजुअल एड्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ ट्रेडिशनल मैथड ऑफ टीचिंग लर्निंग बच्चे जैसे पहला पहले टीचर्स पढ़ाते थे बोलकर लेक्चर मेथड से उससे नहीं समझते हैं ऑडियो विजुअल मतलब देखकर और सुनकर उससे ज़्यादा बेटर समझते हैं जैसे कोई पिक्चर अगर चलती है आपके सामने उसको ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाते हैं तो ऐसा क्यों है इट इज़ बिकॉज मोर एफर्ट्स गेट इन्वॉल्व क्योंकि ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं टीचिंग लर्निंग में बिल्कुल नहीं इनफैक्ट ईजी हो जाती है लर्निंग उससे इट इज़ बिकॉज मोर मनी मनी का कुछ रिलेशन नहीं है इट इज़ बिकॉज मोर सेंसेज गेट इन्वॉल्व जब टीचर बोलता है आप सुनते हैं तो सिर्फ आपके कान सुन रहे हैं उस टाइम पर जब ऑडियो विजुअल है तो आपकी आंखें देख भी रही है उसको ठीक है अगर कुछ uh, टी एल टीचर लाते हैं आप उसको टच भी कर रहे हैं तो ज़्यादा सेंसेज इन्वॉल्व होती है लर्निंग में तो इसलिए आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं नेम द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पोजेस्ड बाय द फॉलोइंग ये इसमें कौन सी इंटेलिजेंस है ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसमें ये लड़की गाना गा रही है ये कौन सी इंटेलिजेंस है पोजेस्ड बाय द फॉलोइंग मैथ्स के प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है लॉजिकल इंटेलिजेंस म्यूजिकल लॉजिकल नेचुरलिस्टिक नेचर से रिलेटेड होती है ठीक है नेम द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस ये है नैचुरिस्टिक uh, नेक्स्ट नाउ नेम द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पोजिस्ड बाय द फॉलोइंग डॉक्टर में कौन सी इंटेलिजेंस होगी म्यूजिकल लॉजिकल नेचुरलिस्टिक काइनेस्थेटिक काइनेस्थेटिक मतलब जब हम लर्निंग बाय डूइंग सिर्फ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल भी आपको करके सीखना होता है नाउ विद रेफरेंस टू दी अबव पिक्चर नेम द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय होवर्ड गार्डनर ने ये इंटेलिजेंस दी है तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस है इसमें काइनेस्थेटिक इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल म्यूजिकल लिंग्विस्टिक नेचुरलिस्टिक ये सभी है अच्छा बेसिकली इसमें आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें सारे इंटेलिजेंसेज हों तो कितने इंटेलिजेंस हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट ऑप्शन में हैं इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है सिर्फ जैसे इसमें कौन सी नहीं विजुअल नहीं है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स या फिर हो सकता है ये होगा शायद वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यस इसमें सारी हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट है नाउ मेक द प्रॉपर वर्ड बाय फिलिंग द गैप्स पी ब्लैंक आई सी आई पी ब्लैंक एल ये वर्ड बनेगा प्रिंसिपल पी आर आई एन सी आई पी ए एल प्रिंसिपल आई ब्लैंक एन ओ इनो एंट इनोसेंट इनोसेंट ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था सेवन क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग